अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैस स्टेशन की, गैस स्टेशन का बिजनेस कैसे होता है, ग्रैंड आरपी में गैस स्टेशन आपको कितने का पड़ेगा, गैस स्टेशन के अभी फिलहाल प्राइस क्या चल रही है सर्वर वन पे। सर्वर टू और थ्री पे तो गैस स्टेशन ऑक्शन पे पड़ा हुआ रहता है, लेकिन सर्वर वन जो है वो उसके ऊपर गैस स्टेशन बहुत ज्यादा महंगा है। अब मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि गैस स्टेशन का बिजनेस जो है, बिजनेस मॉड्यूल क्या है, कैसे वो वर्क करता है, तो वीडियो को जरूर एंड तक देखना। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दिस वीडियो इज बीन स्पॉन्सर्ड बाय ग्रैंड आरपी। एंड अगर आपने ग्रैंड आरपी ज्वाइन नहीं किया अभी तक, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा रेफरल लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको ऑफिशियल जो ग्रैंड आरपी की वेबसाइट है वहां पे वो लेके जाएगा। एंड वहां पे बस आपको करना क्या है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, बस आपको एक वैलिड ईमेल आईडी जो है वो देना है वहां पर, एंड आपको अपना पासवर्ड देना है जो कि आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। तो बस यहाँ पे आपको जो इन गेम आपका नेम होना चाहिए वो यहाँ पे डालना है, ईमेल डालना है, पासवर्ड डालना है, आपको आपके पास जो है वो एक मतलब वैलिड GTA की कॉपी होनी चाहिए, लाइसेंस्ड कॉपी होनी चाहिए जो कि आप एपिक गेम्स, स्टीम या फिर रॉकस्टार गेम्स से खरीद सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको जो है वो लॉन्चर डाउनलोड करना है, लॉन्चर डाउनलोड करने के बाद आपको बस सर्वर सेलेक्ट करके आपको गेम खेलना स्टार्ट कर देना है। सो इस तरीके से जो है वो ग्रैंड आरपी बस आपको डाउनलोड करके खेलना है, मैंने आपको प्रोसेस समझा दिया है। मेरे रेफरल से जाते हो तो आपको जैसे ही आप लेवल 5 पहुंचोगे इन गेम आपको 25,000 का जो है वो बोनस मिलेगा, एंड अगर आप किसी को रेफर करते हो तो उनको भी जो है वो बोनस मिलेगा। तो बात करते हैं हम गैस स्टेशन की। तो ये गैस स्टेशन लेने से पहले मैंने एक घर जो है वो यहाँ पे बाय किया था, क्योंकि मैं अभी ग्रैंड आरपी में आया हूँ और मेरे पास जो है वो घर वर कुछ नहीं है, तो इस हमारे फैमिली का एक बंदा है उससे मैंने जो है ये एक घर बाय किया जो कि अनफॉर्चुनेटली गेटो में था। एनीवेज हमको अब जो है वो काम चलाना ही पड़ेगा। ओके, अब बात करते हैं हमारे गैस स्टेशन की। तो गैस स्टेशन का बिजनेस जो है वो बस बहुत ही सिंपल बिजनेस है, ये उसका इंटरफेस है। यहाँ पे आपको जो है वो कमोडिटीज दिखेगी, जो कमोडिटीज है उसी के ऊपर जो है वो पूरा खेल है इसका। अब कमोडिटीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे पड़ती है, इसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। तो लेफ्ट साइड में टॉप में आपको मिलेगा प्राइस ऑफ गैसोलीन, तो यहाँ पे आप जो है वो गैसोलीन का जो भी प्राइस है $5 से $20 में वो रख सकते हो। उसके नीचे है प्राइस ऑफ कैनिस्टर, एक कैनिस्टर ये मतलब फ्यूल का कैन जो है वो उसका प्राइस आप रख सकते हो। यहाँ पे रिपेयर किट का प्राइस है, एंड यहाँ पे टैक्स का प्राइस है। अगर आपको टैक्स फ्री करना है आपका बिजनेस तो 5 घंटे के लिए आप टैक्स फ्री कर सकते हो, उसके गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स नहीं जाएगा उसका। लेकिन आप इस पांच घंटे में FIB पे जो है वो मतलब FIB जो है वो आपके जो बिजनेस है उसके ऊपर रेड कर सकती है, ना आपका बिजनेस जो है वो बंद हो सकता है। सो आप बहुत ध्यान से देखना कि भाई टैक्स इवेजन आप कर सकते हो, लेकिन अगर FIB ने रेड डाली तो रेड डालने के बाद जो है वो आपको वापस से टैक्स भरना ही पड़ेगा एंड में, तभी जाके आपका बिजनेस यहाँ पे मतलब चालू होगा। अब मैप में मैंने आपको जो लोकेशन दिखाई वहां से हम बाय करते हैं, डॉक्स की साइड पे कमोडिटीज बाय करते हैं वहां से। तो कमोडिटीज आपको बाय कैसे करनी है, आपको बस उस लोकेशन पे जाना है जहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले मैंने मैप में जो जिस लोकेशन पे दिखाई वहाँ पे जाना है। तो वहाँ पे एक NPC खड़ा होगा, ठीक है, उस NPC के पास जाके आपको जो है वो दबाना है आई नीड गुड्स फॉर माई बिजनेस। तो यहाँ पे आप इस बटन को दबाओगे तो यहाँ पे वो मैक्सिमम 200 कमोडिटीज देता है। तो आपको कितनी चाहिए, अब मुझे जो है 167 चाहिए थे, तो 25,000 जो है वो यहाँ पे आ गए थे। अब ये कमोडिटीज डिलीवर करते हैं ट्रकर्स। अब आपके फैमिली में कोई ट्रकर है लेवल 2 का तो वो सीधा जो है वो ऑर्डर उठा सकता है। सो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका बिजनेस है कोई, तो आप जो है वो आपके फैमिली में किसी कोई लेवल 2 का ट्रकर है तो आप जब कमोडिटीज बाय करते हो तो यहाँ पे ट्रकर वाले यहाँ पे आओ, यहाँ पे जो है वो गेट एम्प्लॉयड करो, यहाँ पे जो है वो ट्रक आपको बस रेंट करना है। अब यहाँ पे आप यूनिक ट्रक मत रेंट करना, बस नॉर्मल जो है वो ट्रक रेंट करना। ध्यान रखना गाइज, आपको जो है वो लेवल 2 होना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि आप प्राइवेट ऑर्डर उठा रहे हो आपका। सो आप इमीडिएट अगर आपको डिलीवर करना है तो आप जो है वो आप कमोडिटीज अगर आप डिलीवर नहीं करोगे तो क्या होगा, तो आपका जो ये है लाइक गैस स्टेशन है वो रेड में चला जाएगा। रेड यानी कि आपके गैस स्टेशन पे जो है वो कुछ नहीं है, लाइक पेट्रोल वेट्रोल कुछ नहीं है, वो खाली पड़ा है। सो कमोडिटीज अगर आपकी खत्म हो जाती है तो वो रेड आइकन हो जाता है उसका, एंड अगर आपके इसमें कमोडिटीज अवेलेबल है तो वहां पे वो ग्रीन आइकन दिखाता है गैस स्टेशन का। सो कमोडिटीज इंपॉर्टेंट है अगर आपको बिजनेस करना है तो। अब जे प्रेस करोगे आप तो यहाँ पे प्राइवेट ऑर्डर्स में ना आप यहाँ पे ट्रक का जो है वो यहाँ पे ऑर्डर्स उठा सकते हो, ऑयल वाले ऑर्डर्स जो है वो उठा सकते हो, गैसोलीन वाले ऑर्डर्स उठा सकते हो, एंड सीधा यहाँ पे आप जो है वो डिलीवर कर सकते हो। अगर आपके पास लेवल 2 का स्किल नहीं है तो आप सीधा जो है वो भी बाय कर सकते हो, बस आपको स्टैटिस्टिक्स में जाना है, शो माई स्किल्स में जाना है,
एंड यहाँ पे आपको जो है वो ट्रकर का स्किल मिलेगा। अभी ये ट्रकर का जो स्किल है वो 8 लाख का पड़ता है, सो बहुत ज़्यादा महंगा है। सो मैं रिकमेंड करूँगा यार आप जो है वो ग्राइंड ही कर लेना, लेवल 2 तक ही तो पहुँचना है आपको। तो यहाँ पे 8 लाख का स्किल जो है वो आप बाय करो अगर आप करना चाहते हो तो। आपको सीधा लेवल 3 का ट्रकर का जो है वो स्किल मिल जाएगा। अगर आपके पास पैसे है इतने, आप इतना एक्सपेंस मतलब कर सकते हो, तो यार आप जो है वो सीधा ट्रकर का जो स्किल आता है वो बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने जो है वो कमोडिटीज बाय कर ली थी, एंड जब तक मैं यहाँ पे पहुँचता, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा जो नाम है यहाँ पे जो है वो फ्यूल है, तो यहाँ पे मैंने फ्यूल परचेस किया जस्ट टू शो कि भाई प्रॉफिट और ये सब कितना होता है। तो यहाँ पे मैं पहुँचते मेरी जो कमोडिटीज़ है वो डिलीवर हो गई थी, क्योंकि एक बंदा जो है वो कोई ट्रकर का जॉब कर रहा होगा, तो यहाँ पे उसने जो है वो कमोडिटीज़ 197 जो है वो यहाँ पे मेरी कमोडिटीज़ हो चुकी थी टोटल। एंड यहाँ पे मैंने यूज़ कर ली कुछ, क्योंकि यहाँ पे मैंने फ्यूल भी भरवाया। तो जितने लोग आपके ट्रक से यहाँ पे फ्यूल, मतलब आपके ट्रक बोल रहा हूँ, आपका जो गैस स्टेशन है वहाँ से फ्यूल भरवाएंगे तो उतनी कमोडिटीज़ आपकी यहाँ पे चली जाएंगी। एंड यहाँ पे जो ये टैक्स है ना, तो यहाँ पे आप फोन से टैक्स नहीं भरते, लाइक कुछ बिजनेस होते हैं उसको आपको फोन से टैक्स भरना पड़ता है, फोन में जो बैंकिंग ऐप आता है वहां से आप टैक्स भर सकते हो, बट इसका ऐसा नहीं है, इसका टैक्स कट के जाता है। अगर कोई बंदा यहाँ पे फ्यूल भरवा रहा है तो वो टैक्स जो है वो यहाँ से कट के जाएगा, और आपके पास जो है वो ऑप्शन होता है टैक्स इवेजन का। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि 5 घंटे के लिए आप टैक्स इवेड कर सकते हो। इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट को 1 रुपया तक नहीं जाएगा, आपको सारे के सारा पैसा मिलेगा। लेकिन इसमें रिस्क क्या है पता है, FIB जो है आपके बिजनेस पे रेड डाल सकती है। अब एक बार आप FIB आपके बिजनेस पे रेड डाल दे, आपका बिजनेस हो जाएगा बंद, यानी कि आपका बिजनेस जो है वो चला नहीं जाएगा, बस वो जो वो कुछ देर के लिए बंद हो जाएगा। जब तक आप फाइन नहीं भरते हो, जब तक आप पूरा टैक्स नहीं भरते हो, तब तक आप जो है वो अपने बिजनेस को वापस से रन नहीं कर सकते। सो मैं ये रिकमेंड नहीं करता कि आप टैक्स इवेजन करो। हाँ, आप उस टाइम पे कर सकते हो जिस टाइम पे जो है वो बंदे ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं FIB में, या फिर उस टाइम पे कर सकते हो जहाँ पे जो है वो सर्वर ज्यादा एक्टिव नहीं रह सकता है, तो 4-5 घंटे के लिए आप ट्राई कर सकते हो, बट आपको जो है वो एंड ऑफ द डे जो है अगर आप रेड पड़ जाती है तो आपको जो है वो टैक्स तो भरना ही पड़ेगा। एंड आपको जो जब तक आप टैक्स नहीं भरोगे तो आपका जो बिजनेस है वो वापस से काम नहीं करने वाला है। सो इस तरीके से ये बिजनेस काम करता है। अब डेली प्रॉफिट्स की अगर आप बात करें तो यार 1 से 1.5 लाख तक का जो है इससे डेली प्रॉफिट होता है। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हो वो नहीं है, लाइक 1.5 लाख तक का जो आप प्राइवेट भी सेल कर सकते हो, लाइक जो गैस कनेक्टर्स है, रिपेयर किट्स है, आप बल्क में जो है वो फैमिलीज बाय करती हैं तो आप उनके साथ कॉन्टैक्ट करके भी उनको बेच सकते हो बल्क में। तो इस तरीके से जो है वो आप अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकते हो। जहाँ तक बात है इसके लाइक गैस स्टेशन आता कितने का है यार सर्वर का, ये तो मैंने बताया नहीं। सो यहाँ पे गैस स्टेशन की लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना महंगा होगा या फिर कितना सस्ता हो सकता है, लाइक सस्ता तो है नहीं। मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ, 90 से 100 मिलियन के बीच में आपको जो है वो एक डिसेंट लोकेशन पे मिल जाएगा, और एकदम अच्छी लोकेशन पे चाहिए तो 200 मिलियन प्लस आप लेके चलो गैस स्टेशन की प्राइस सर्वर 1 पे है। सो इतना ज़्यादा महंगा है गैस स्टेशन। अब ये जो गैस स्टेशन है ये मेरा नहीं है, मैंने मेरे दोस्त से लिया था जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो। मुझे बस ये बताना था कि आपको कि ये गैस स्टेशन का वर्क कैसे करता है, कमोडिटीज़ क्या होती है, कैसे इससे बंदे प्रॉफिट निकालते हैं, एंड प्रॉफिट निकालने के लिए बस आपको जो है वो बैंक में जाना है एंड आई वॉन्ट टू विदड्रॉ प्रॉफिट, लाइक वहाँ पे कर देना है। तो यहाँ पे जो है वो आप जो है वो प्रॉफिट निकाल सकते हो अपने इसका, किसका, अपने बिजनेस का। तो यहाँ पे जो ट्रकर लेके आया था ना कमोडिटीज, वो यहाँ पे डिलीवर कर गया, आप देख सकते हो पीछे वो ट्रक है। एनीवेज गाइस, तो यही थी वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी कि गैस स्टेशन कैसे वर्क करता है ग्रैंड RP में। और अगर आपकी कुछ भी डाउट हो ग्रैंड RP को लेकर तो आप मुझे जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, ताकि आपको ऐसे वीडियो जो है वो मिलते रहे इन द फ्यूचर। एंड अगर आपने ग्रैंड RP अभी भी ज्वाइन नहीं किया तो आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं गाइस आपसे अगली वीडियो में।